प्रकाश माँ, तू चोरी कर रहा था? नहीं माँ, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तुमसे मैंने कहा था ना कि बड़े बाबू को 100 रुपए दूंगा तो मुझे काम देंगे। शांता को भी मालूम है तुम घर में नहीं थी माँ। मुझे 12 बजे पहुंचना था, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा अच्छा, भगवान करे तुझे काम मिल जाए। उठाओ ये रद्दी के टुकड़े और निकल जाओ यहाँ से। मैं नाचती हूँ, आवाज बेचती हूँ, जिस्म नहीं बेचती। और हम कोई चीज अधूरी नहीं खरीदते। ये सुरीली आवाज वाला गला, ये चेहरे की रौनक, ये होठों की सुर्खी और ये कमर की लचक, सारा का सारा जिस्म खरीद लिया करते हैं। तुमने आज गलत दरवाजे पे दस्तक दी है रंजीत सेठ। चमेली मर जाएगी मगर अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। कोठे पर बैठकर इज्जत और शराबत की बातें नहीं करते हैं चमेली जान। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं अपने उस्ताजी और अम्मी को बुलाऊंगी। बुलाओ। अम्मी अम्मी, उस्ताजी उस्ताजी, अम्मी अम्मी अम्मी, आ जाओ अम्मी अम्मी। कोई नहीं आएगा क्योंकि तेरी अम्मी और तबलची के कान मैंने सोने से भर दिए हैं चमेली भाई। चिल्ला मत करो, डर जाएगा तेरा। चमेली जान, गंगा जल पीना होता है तो आदमी मंदिर में जाता है, शराब पीनी होती है तो मैं खाने में, और हुस्न पीना हो तो तवायफ खाने में। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगी मैं। चमेली जान, आंख मार दो, हम वैसे ही मर जाएंगे। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक, मैं तुम्हें जिंदा नहीं। चमेली भाई, चमेली भाई, ये तुमको चाकू किसने मारा है? डोंट वरी, अरे ये तो मर गई, ये तो सच में मर गई। अब क्या होगा? फांसी होगी। हाँ, फांसी जरूर होगी तुम्हें। फांसी मुझे नहीं, तुम्हें होगी। मुझे? लेकिन क्यों? क्योंकि इस खंजर पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है, इसलिए ये खून तुमने किया है। अगर तुमने पुलिस में ये ना कहा, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। मेरा नाम दारा है, दारा, समझे? नहीं जैसा, मेरे बेटे में कोई खोट नहीं। अगर खोट है तो मेरी तकदीर में। पहले ही तकदीर ने मुझे मेरे दो दो बेटे छीन लिए, अब इसे छीनकर मेरी कोख मत उजाड़िए। अदालत को आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ हैं। जब तक मुल्जिम अपनी बेगुनाही का सबूत अदालत को नहीं देता, अदालत मजबूर है। बेटा, तू चुप क्यों है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कह दे कि खून तुमने नहीं किया, कह दे कि तू बेकसूर है। अगर तू चुप रहा ना तो मैं समझूंगी तेरी रगों में तेरे बाप का खून नहीं है। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तूने मेरा दूध नहीं पिया। तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत मुल्जिम को जेरे दफा 302 उम्र कैद की सजा देती है। नहीं, नहीं, नहीं। ना तुम मेरी सास, ना मैं तेरी बहू। मैं तुम लोगों का साया भी अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। अठन्नी सेठ, ये अठन्नी तुम अपने ही पास रख लो, बुरे वक्त में काम आएगी। क्यों मां? मलंग बेटे, आज कितने लोग मंदिर में आए, देखो कितनी सारी कमाई होगी। भगवान करे ऐसे त्योहार रोज आए। ऐसी दुआएं मत मांग माँ,
कभी कभी त्योहार आते हैं, इसीलिए लोग मंदिर चले आते हैं। रोज रोज त्योहार आएंगे, कोई नहीं आने वाला। फिर उसी दिन आएंगे जिस दिन त्योहार नहीं होगा। एक बात पूछूं मां, तुम अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए दिन रात दूसरों के जूते संभालती हो और रोज भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाती हो, और मैं भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जहां से भी गुजरता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन ऊपर वाले पर उसका कोई असर ही नहीं। जरूर तुम्हारे बेटे में खोट है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। देखना, एक दिन वो जरूर जेल से छूट के आएगा। हाँ, माँ को बेटे का दोष थोड़ी ही नजर आएगा। ममता का आंचल तो बुराइयां भी ढक दिया करता है। देखो माँ, ये रहा वो चक्का, और इस उचक्के से उचक कर लाया गया ये रहा तुम्हारा माल। बेटा, भगवान तेरा भला करे, तू सदा सुखी रहे, तेरी लंबी उम्र हो। यही है वो चोर जिसने मेरी मोटरसाइकिल चुराई थी, पकड़ लो उसको। नहीं नहीं हवालदार साहब, ये चोर नहीं है, ये आदमी मेरे पैसे चुरा कर भाग रहा था, इसे पकड़ने के लिए इसने मोटरसाइकिल उठाई होगी। आप चाहे तो इन लोगों से पूछ लीजिए, पूछिए इन लोगों से। अरे वाह वाह वाह, चोर पकड़ने के लिए मेरी ही मोटरसाइकिल मिली थी, 4000 में खरीदी थी मैंने। चोर बाजार में भी 4000 में तने नहीं मिले। आज तो हमारी भेड़ी छे ना, एना 6000 में मने अपावेला छे आई गाड़ी। आजो मारी गाड़ी ना पेपर बताओ, हमने थामना बताओ बाबा बताओ ओवर है। आजो जो तो खाना तमे। हां आ थाली मा छे ना, हवा काढ़ी ने बताओ तमने। आ छे ना, हां आ मारा टैक्स ना पेपर छे। आ बीजो बीजो, हां आ बीजो छे ना, आ आ मारा इंश्योरेंस छे। जो 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 तू बेटा मुरलीधर, चोरी खुद और दोषारोपण अपने परम पूजनीय पिताजी पर। 4000 की मोटरसाइकिल तो नहीं है, लेकिन 4000 के जमानत का इंतजाम करवा लेना है। इंस्पेक्टर साहब, दोनों लंगूरों को एक ही जीप में ले जाना। चल बे चोर की औलाद। कमाल है भाई, कमाल है। अब हिसाब देखो जरा, पैसा लेके भागा चोर, जिसकी गाड़ी लेके भागा वो भी निकला चोर। इसका मतलब ये हुआ, जो चोर को पकड़ के लाया वो भी जरूर होना चाहिए चोर। मलंग, कुछ तो सोचा कर, जो मुंह में आए बोल देता है, ऐसे भले आदमी के बारे में भी। भला आदमी होगा माँ, लेकिन अपने हिसाब में तो बिल्कुल वही बैठता है। क्षमा कीजिएगा, अगर बात बाहर न जाने पाए तो आपका हिसाब सही है, निकल लीजिए पतली गली से। जय संतोषी मां। अरे खटमल, अरे देख देख, वो बुढ़िया फिर यहाँ आ गई। यार मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया,
इतनी बार तो जेलर यहां नहीं आया जितनी बार ये बेचारी आ चुकी। आखिर माँ है ना यार। वो तो ठीक है यार, लेकिन क्या हर माँ ऐसी होती है? कैसा है तू? माँ तो बार बार क्यों आती है? बेटा तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है, उसकी ममता क्या होती है? माँ अगर समंदर के सारे पानी को स्याही बनाकर लिखे तब भी वो अपनी कहानी पूरी नहीं लिख सकेगी। वो तो मैं जानता हूं मां, लेकिन आज फिर तू अकेली आई, शांता को क्यों नहीं लाई? अब की आऊंगी ना तो उसे जरूर ये सुनते सुनते बरसों बीत गए मां। उसे तो पूरा घर संभालना पड़ता है, दिन रात काम करती रहती है, बच्चे की देखभाल करती है, मेरी सेवा करती है, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती उसे। 126 टाइम हो गया, चलो। 24वीं सदी की वनस्पति औलाद, माँ के आने की खुशी नहीं बीवी के ना आने का दुख हो रहा है। मेरा नाम जिंदगी है और ये हरी भरी वादियां, ये पहाड़ मेरे दामन में खिलते हुए फूल, पहाड़ों की इन चोटियों पर सुबह का सुनहरे उजाला सोने में ढल के आता है, वादियों के आंचल में शाम का रुपहली साया चांदनी के नूर में पिघल जाता है, इन रुपहली सुनहरी किरणों से छनती हुई सरमस्ती में मचलता हुआ नगमा हूं मैं। गौर से देख देखने वाले, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मगर मुझसे भी खूबसूरत है मौत, क्योंकि मैं सिर्फ एक फरेब हूं और हकीकत है सिर्फ वो मौत। वो झोंका है जो फूलों को भी गिरा देता है, हर चमनजार गुलस्तानों को सुला देता है, सर पे उल्फत के भी ममता के भी मनवाता है वो, और तो और खुद मेरी हस्ती को मिटा देता है। इतनी डरपोक है दुनिया, मौत ही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, फिर भी उससे इतना डर। मेरा जवान बच्चा है, मैं उसकी सारी खुशियां देखना चाहती हूँ। मगर कब, आज तो किसी और की बारी है, तुम्हारी नहीं। पर इतना जरूर सुन लो कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी और मेरे बीच बहुत कम फासला बाकी। आज से 25 दिन के बाद दशहरा और उसके 65 दिन के बाद की पूर्णमासी का चांद उसकी जिंदगी में हरगिज नहीं चमकेगा। क्या कह रही हूं? मेरे चंगों की मौत नहीं टल सकती, वो भी तो किसी के इशारों पर नाचती है। इन 90 दिनों के अंदर किसी भी दिन तुम्हारे बेटे की भी बारी आ सकती है। नहीं नहीं, क्या कह रही हूं? मेरे बेटे के सक्के में मेरी जान ले लो, मैं मर रही हूं। तो होगी नहीं, मक्खन तो होगा ही। अरे निकलो मेरे बेटे,
तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, भला मेरी तबीयत तो क्या हो सकता है? चाची, ये तो भालू का बच्चा है, भालू का। बस बस, ये लोग कबूतर छाछ पी, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। जय हो लाड साहब की। चाची, तुम्हारा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में। जानती हो, आज इसने अपनी जान पे खेल के राणा की बेटी की जान बचाई है। कहीं इसका हाथ फिसल जाता तो आज इसकी बोलो ही ना। अब मैंने क्या किया माँ? अब मारना ही था, कहीं कहीं पीठ पे मारती, कहीं बाजू पे मारती, यूं ही हाथ पे मार डाला, मटके गिर गई, सारी छाछ भी गिर गई। चूल्हे में जाए तेरी छाछ, हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है। कितने बार समझा है तुझे कि इस तरह अपने जान जोखिम में मत डाला कर। क्या तू ही रह गया है सारे गांव का रखवाला? बिल्कुल ठीक कहती हूँ चाची, मैं खुद इसे सुबह से शाम तक समझाता रहता हूँ, लेकिन ये लाड साहब माने भी। तुम्हारे बेटे की जिंदगी और मेरे बीच बहुत कम फासला था। जल्दी मिल गए माँ, लेकिन ये दीवार पे लकीरें कैसी लगा रखी है तूने? लकीरें? ये कुछ भी तो नहीं, अनपढ़ हूँ ना, दशहरे के दिन गिन रही थी। दशहरा? अरे माँ दशहरा, मैं बिल्कुल भूल गया, मैं जरा गिन के देखूँ। देखूँ तो एक दो तीन चार दिन लगे थे, इतने थोड़े से दिन माँ, और मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैंने तेरा दूध पिया माँ, तेरा सर बिल्कुल नहीं झुकने दूंगा, जान दे दूंगा। कैसी बातें करता है, जो मुंह में आया कह देता है। अरे ठीक है तो कह रहा हूँ, देख लेना माँ, अब के बाद भी दशहरे के मुकाबले में जीत तेरे बेटे की होगी, ये भी दीवार पे लिख ले। नहीं बेटा, मुझे तेरी जीत नहीं चाहिए, आपकी बात तो किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है माँ, तेरी तंदुरुस्ती तो ठीक है, ये छोटी बातें करना कहाँ से सीखा तुमने? तुझे तो बाल की खाल निकालने की आदत है। मैं कहती हूँ क्या रखा है दशहरे के मुकाबले में? अरे माँ, जय हो चाची, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। चाची, जब तू रू जाया करती थी तो शंकर भगवान यूँ तांडव किया करते थे, तुम्हारा भालू भी तांडव करना चाहता है, मगर जानते हो किसके लिए? शेर जंगू का पीछा कर रहा है, उसे जाके रोकिए, रोकिए। क्या? नहीं नहीं, जंगू शेर का पीछा कर रहा है। जंगू कहाँ है? सब लोग भागे, आप भी भागे, भागे। Thank you.
नीली छतरी वाले, ये क्या हो रहा है? मैं तो ठीक हूँ मेम साहब, लेकिन आप ये दम्बूक लिए इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? भेजा तो नहीं घूम गया आपका? भेजा घूम गया तुम्हारा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और वो भी खाली हाथ? जंगू, क्यों इस तरह अपनी जिंदगी से खेलते हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से पहले ये भी तो सोचो कि उस पर किसी और का भी अधिकार है। वादा करोगे आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे? तुम्हें मेरी पसंद। पर आप इतनी चिंता क्यों कर रही? यही तो मुश्किल है, बिल्कुल बुद्धू हो तुम। इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारी जान की खातिर मैंने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? खैर अब तो बला टल गई और तुम सलामत हो। जी चाहता है जंगू, जी चाहता है, जी चाहता है ओ जंगू। देखा तूने? सारे मेरी पीछे वाले बेटा घूम गया मेरा। जग्गू, कितनी बार समझाया तुझे लेकिन तू अपने हट से बाज नहीं आता। क्या मेरी जान लेकर छोड़ेगा? भेजा घूम गया मेरा माँ, कौन सा बुरा काम किया है मैंने? मेरा बच्चा, मेरा लाल। जीते रहो भैया, तुम आदमी नहीं देवता हो। देवता भगवान करे हर माँ के यहाँ तुम जैसा बेटा पैदा हो। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये उपकार तो हम पे भी किया है जंगू ने। सारे गांव का नाक में दम कर रखा था इस मुजी ने। कभी किसी का जानवर उठाया जा रहा था तो कभी किसी का बच्चा। आज ये मुसीबत ही खत्म कर दी इसने। अबे ओ, क्या मुसीबत खत्म कर दी? जंगू नहीं मारता तो मैं मार देता, खटमल की तरह मसल देता यूं। वो अगर शेर था तो मैं बब्बर शेर हूँ। चाची यहाँ भी छह लकीरें हैं। ठीक से देख, मुझे तो दिखाई नहीं देता। फिर से गिन। चाची मेरी आंखें तो उल्लू की आंखें हैं, अंधेरे में भी देख सकता हूँ, लेकिन गिनने के लिए कुछ हो तो। लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे भी छह लकीरें थी और यहाँ भी छह हैं। तुझे कुछ धोखा हुआ है, तू झूठ बोल रहा है। आ मेरे साथ आ। तुम जल्दी यहाँ पर आ। मरे बरकत, दो तीन चार पाँच छह। चाची यहाँ भी छह लकीरें हैं। छह? लेकिन ये लकीरों का क्या चक्कर है? कुछ नहीं बेटा, जंगू से कुछ मत कहना, तुझे मेरी जगह नहीं कहूंगा चाची। जा, जा। माँ, देवी माँ, देवी माँ, एक ममता की मारी माँ तुझसे भीख मांगती है। ये क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। आज अगर वो हमारे पीछे होते तो कितने खुश होते। ये तो सच है माँ, पिताजी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो सच है कि तुमने उनकी कमी कभी हमें महसूस नहीं होने दी। देखो माँ, तुम्हारे आशीर्वाद से आज तुम्हारे इस बेटे का गैरेज खूब चल निकला है। सारे घर का बोझ मैं खुद अकेला उठा सकता हूँ, इसलिए अब तुम्हें ये मशीन चलाने की कोई जरूरत नहीं। एकदम करेक्ट, वकालत का इम्तिहान तो मैंने दे ही दिया है, अब रिजल्ट आते ही मैं भी कमाने लगूंगा। और मैं भी अशोक भैया से सिर्फ एक ही साल पीछे हूँ, अगले साल से मेरी कमाई भी शुरू। इन सब बातों का क्लाइमैक्स ये है कि अब आप काम नहीं करेंगे। अरे काम भी करूंगी तो क्या करूंगी? आराम। मैं मशीन चलाना कैसे छोड़ सकती हूँ? इसकी आवाज तो मेरे लिए संगीत बन चुकी है। इसकी सुई से मैंने सिर्फ कपड़े ही नहीं अपने सपनों को जोड़ा है। तुम लोग कहते हो तो मशीन चलाना छोड़ दूंगी, लेकिन तब जब अशोक कमाने लग जाएगा। सच में? अरे इसका मतलब अर्जी मंजूर, और इस खुशी में जिसको भी लिफ्ट चाहिए फौरन तैयार हो जाओ, मेरी सवारी गैरेज आ रही। I'll get my books. Wait for me. और भैया मैं? तुम बस में चली जाओ। क्यों क्यों मैं बस में क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल पर सिर्फ तीन जन बैठते हैं ना। अच्छा ठीक है, कम से कम किराया तो दो। बस का नहीं, टैक्सी का किराया।
ये हुई ना बात। थैंक यू। हाँ माँ, बाकी के पैसे तू रख ले। अरे कुछ तू भी तो रख। तू मेरी फिक्र मत कर, गैरेज पहुंचते ही मेरी जेब भर जाएगी। जी गंगाराम, देख जब मैंने 1943 में डांस किया था तो ऐसे किया था। अरे तू ऐसे कर, ऐसे कर। हाँ, और दूसरी बात, जब 1957 में डांस किया था तो ऐसे किया था। अरे तू नमस्ते बहन जी, भगवान की कृपा से सारा काम अच्छी तरह हो गया। अब आप आशीर्वाद देकर इन्हें यहाँ से विदा कर दीजिए। बहन जी, मैं इनको नहीं, आप लोगों को यहाँ से खुशी से विदा कर सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब क्लियर कट साफ है, अशोक अपने राजी खुशी मान गया है कि वो इस घर पे घर जवाई बनकर रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है बहन जी? हो सकता है। ये देखो मेरे पास एग्रीमेंट है, इसमें अशोक का दस्तखत भी है, और मैं लालवाणी कोई कच्चा काम नहीं करता होता। अशोक, इससे फर्क क्या पड़ता है माँ? मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ, रहूंगा तो तुम्हारा बेटा ही। चेहरा बदलने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता? तू मुझे रिश्ते की बात बताएगा? तुझे तो एक घंटा हुआ है जिंदगी में पहली बार एक रिश्ता बनाए हुए, और तू उसे रिश्ते की बात समझाना चाहता है जो एक माँ है, जो रिश्ते बनाती है, जो रिश्तों को जन्म देती है। चुपचाप चल गई यहां से, वैसे भी घर जमाई बनकर रहना किसी को शोभा नहीं देता। ये सब पुराने आदर्श है माँ, मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि अब मैं यही रहूंगा। अगर तेरे मन में यही था तो पहले कह देना चाहिए था कि तू ससुराल में बस जाना चाहता है। मैं तेरे हाथ पांव में मेहंदी रचाकर तुझे दुल्हन की तरह सजा देती। बेशरम, तूने इतना भी नहीं सोचा कि तू किस बाप की औलाद है। उसे भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन उन्होंने करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दी। और एक तू है, अगर बेटी बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। अगर बेटा बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि उसे जन्म देने से पहले वो बांझ क्यों नहीं हो गई। अशोक भैया चलो घर चलते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे? बारात निकली थी बहू लाने और बेटा गवा कर लौटी, सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो उड़ाने दो हंसी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और तुम भी याद रखो, हम लोगों के बीच बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अपनी औकात पर रहना सीखो, समझे? अशोक ये मत भूल, ही तेरा भाई है, वो भाई किसने मेहनत करके तुझे रोटियां खिलाई है। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है माँ, जो आदमी दूध को भूल सकता है उसे रोटी कैसे याद रह सकती है। देख रही हो ना माँ, ये छोटा सा आदमी मुझ पर एहसान जता रहा है। अगर पिताजी ने नाना जी का कहा मान लिया होता तो आज हम भी करोड़पति होते, फिर सब कुछ होता हमारे पास, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ। फिर हमें पैसे पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ता और ना ही इसका एहसान लेना पड़ता। और जिन पिताजी को तुम महान और खुददार समझती हो, मेरी नजर में वो सबसे बड़े बेवकूफ थे। जिस तरह आप अपने पति की बेइज्जती नहीं सहन कर सकती, उसी तरह मैं भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी माँ का हाथ छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ माँ का हाथ छोड़ दो। भाभी आज तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये क्या माँ, तूने फिर से सिलाई शुरू कर दी? मैं सारा बोझ तुम अकेले पे नहीं डालना चाहती बेटे, पता नहीं विनोद को कब नौकरी लगेगी। नौकरी तो आज भी मिल सकती थी माँ, बहुत अच्छी नौकरी, 4,000 रुपया महीने की तनख्वाह। 4,000 रुपए? हाँ मर, लेकिन बीच में एक अड़चन है, काम बहुत जिम्मेदारी का है माँ, उन्हें 50,000 रुपया डिपॉजिट चाहिए। क्या 50,000 रुपए? हाँ, लेकिन इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? भूल जाओ ऐसी नौकरी। ऐसी नौकरी बार बार नहीं मिलती माँ, सोचो 4,000 रुपए तनख्वाह। अरे बेटे लेकिन 50,000 रुपए लाएंगे कहाँ से? ये लो भैया, भैया इन्हें बेचकर तुम 50,000 रुपए जमा कर दो। शीला ये गहने तो तुम्हारी शादी के लिए है। माँ एक बहन के लिए सबसे अच्छा गहना तो राखी है, राखी की लाज बचे बस,
ऐसे कहने तो बाद में बन जाएंगे। अरे पगली, राखी की लाज बचाने की जिम्मेदारी भाइयों की होती है। ये गहने बाजार में नहीं बिकेंगे और विनोद भैया कल सुबह तक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैं 50,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन पहले तो आप 70,000 रुपए देने के लिए तैयार थे और आज आप सिर्फ 50,000 दे रहे हैं। भाया, पहले मेरी जरूरत थी तो मैं 70,000 दे रहा था, अब तेरी जरूरत है तो 50,000 रुपए दूंगा। और मुझे मालूम है कि तू मान भी जाएगा, क्योंकि कल सुबह तक किसी भी हालत में तुझे 50,000 रुपए चाहिए और बाजार से तेरे को 50,000 रुपए कोई नहीं देने वाला। हाँ, आप गैरेज की नहीं मेरी मजबूरी की कीमत लगा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। नहीं अमर, अमर तुम ये गैरेज मत बेचो, चलो मेरे डैडी के पास, मैं उनसे कहूंगी कि ये गैरेज गिरवी रखकर तुम्हें 50,000 रुपए दे दें। नहीं आशा, ये गैरेज मेरे लिए एक मंदिर की तरह है और मैं यहाँ काम पूजा की तरह करता रहा हूँ। मंदिर के रखवाले तो बदलते रहते हैं लेकिन मंदिर कभी गिरवी नहीं रखा जाता। लेकिन अमर, देखो आशा, इनको मैंने अपनी मजबूरी बता दी तो इन्होंने कीमत गिरा दी। तुम्हारे डैडी का अगर मैं एहसान लूंगा तो वो मुझे अपनी नजरों से गिरा देंगे। लेकिन अमर, कम से कम इतना तो सोचो कि अगर ये गैरेज नहीं रहेगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास। आशा, अरे तुम जो हो मेरे साथ, हम फिर से एक नया गैरेज बनाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारा गैरेज नहीं बिकने दूंगी, जाओ सारे पैसे लौटा दो। मगर माँ, ये भाई साहब की 4,000 की नौकरी का सवाल है। नौकरी बाद में भी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी माँ, इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। गैरेज तो फिर भी दोबारा खरीदा जा सकता है। दोबारा कहाँ से लाएगा पैसे? मैं किसी दूसरे गैरेज में इतना काम करूंगा कि घर का गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा और फिर भाई साहब की पूरी तनख्वाह भी बच जाएगी। साल में हम 2 कम 50,000 रुपए बचा ही लेंगे माँ। अमर ठीक कह रहा है माँ, फिर हम अमर को दोबारा गैरेज खरीदवा देंगे। माँ, मेरा पसीना ही तो मेरे भाई के काम आ रहा है और उसमें भी तुम मुझे रोक रही हो, जबकि मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे खून की हर एक बूंद इनके काम आ जाए। लेकिन माँ, आपको हमारी बेटी पसंद है और हमें आपका विनोद पसंद है तो ये शादी की बात पक्की समझ लो। शारदा जी, अगर आपकी कोई मांग है तो अभी बता दीजिए। बहन जी, ये तो शादी का पवित्र बंधन है, कोई सौदा नहीं जिसकी कीमत लगाई जाए। देखा शांति, शारदा जी कितनी महान है, वरना 4,000 रुपया महीना कमाने वाले बेटे के लिए तो लाखों की डिमांड होती है, ऊपर से टीवी, वीसीआर और वो भी कलर में। माफ कीजिए, आप में से विनोद किसका नाम है? विनोद? हाँ ये है विनोद। क्यों? बहन जी, हमारे पास इस मकान का सर्च वारंट है, जाओ तुम लोग तलाशी लो। यस सर। हाँ तो मिस्टर विनोद, वो माल कहाँ है? कौन सा माल? जो हशीश 10 बजे तुम सेठ सुलेमान के यहाँ पहुँचाने वाले। मैं किसी सुलेमान सेठ को नहीं जानता। सेठ सुलेमान मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मारा गया है, लेकिन मरने से पहले उसने तुम्हारा नाम लिया है। ये तो सरासर झूठ है। साहब, माल मिल गया। बताओ ये माल तुम्हें कौन सप्लाई करता है? मैं पूछता हूँ, बताओ उसका नाम। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो ये भी नहीं मालूम ये सब क्या कैसे आ गया। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। लोग ठीक कहते हैं, मुफ्त का सौदा ज्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा हुआ असलियत अभी सामने आ गई, चलो हम चलते हैं। ठहरिए ठहरिए, मुझे विनोद नहीं, मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब, ये हशीश मैंने घर में रखी थी। ये तो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ माँ। तुम कौन हो? मेरा नाम अमर है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। पहले मेरा गैरेज था, चुप टिक गया, तो मैंने ये धंधा शुरू कर दिया। लेकिन सेठ सुलेमान ने तुम्हारा नहीं, विनोद का नाम लिया था। पुलिस की नजरों से अपने आप को बचाने के लिए मैं ये धंधा विनोद के नाम से करता था। ऐसे ही, लेकिन एक स्मगलर इतने जल्दी अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता। अगर मैं खामोश रह जाता इंस्पेक्टर साहब, तो विनोद भैया की जिंदगी पर बात हो जाती और इस खानदान का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाता। चलिए। नहीं, अमर ऐसा नहीं कर सकता।
था। मैंने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई है माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बेटे शांति, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे हमें जिससे रिश्ता करना है वो ठीक है ना, अगर उसका भाई खराब निकला तो हमें उससे क्या मतलब? वो तो हमारा भाई भी नहीं है, पिताजी उसे कहीं से उठा लाए थे, हमें क्या मालूम कि वो ऐसा निकलेगा। अच्छा तो वो तुम्हारा भाई नहीं, ये तो और अच्छा हुआ। समझ लो सड़क का कुत्ता था, घर में आकर भी पत्तल चाटने की आदत नहीं भूला। ये अच्छा हुआ कि घर से कचरा बाहर निकल गया। अच्छा शारदा देवी, आप बारात लेकर कब आएंगी? अब इस घर से आपके यहाँ बारात नहीं जाएगी। क्यों, क्या हुआ? ये अच्छा होता है कि घर से कचरा बाहर निकल जाए। चलो जी समझ गए। चलो माँ। माँ मैं जानता हूँ तुम्हें अमर की वजह से बड़ा दुख पहुंचा है। शीला तुम जरा माँ को संभाला, मैं अभी आया। विनोद यहाँ आओ मेरे पास। जी माँ। तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? माँ मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ भी किया उस अमर ने किया है। तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? मैंने कहा ना नहीं, लेकिन आपको तो मेरी बात का भरोसा ही नहीं है। भरोसा उस पर जिसे सड़क से उठाकर घर में लाए थे। ठीक ही तो कहा उन लोगों ने, सड़क का कुत्ता। खामोश। सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुम स्मगलिंग करते हो या नहीं? नहीं 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 नहीं। तो खाओ मेरे सर की कसम। अगर मैं आपकी कसम खा भी लूं, अब मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा कि आपको मेरी बात सच लगेगी, इसलिए मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगा। जिस बेटे का मां पर से विश्वास उठ जाए, जिस बेटे के सामने मां की इतनी भी इज्जत में रह जाए कि वो उसकी कसम न खा सके, ऐसे बेटे के बारे में यही सोच लेना चाहिए कि उसने मां का पिया हुआ सारा दूध उगल दिया। ठीक है विनोद, तूने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा भी फैसला सुन ले। जब तक तू अपने जुर्म का इकरार नहीं करता, अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देता, तब तक इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, समझे? ठीक है मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता, कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा मैं। भैया रुक जाओ भैया, शीला जाए तो मुझे कभी नहीं आऊंगा मैं। छोड़ के मत जाइए भैया। अशोक भैया तो चले गए थे, आज आज विनोद भैया भी चले गए। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि खून साफ हो जाए। मुझे क्या मालूम था कि खून पानी हो जाएगा। माँ नहीं आई। वो तुमसे बहुत नाराज है, वो यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। माँ को देखने का बहुत जी चाहता है, लेकिन क्या करूं, अपने पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कौन सा पाप, कैसा पाप, बोलो जवाब दो। देखो अमर, ये बात सबको मालूम हो गई है कि तुम यहां पाप का नहीं उन्हीं का प्रायश्चित करने आए हो। हाँ भैया, विनोद भैया के जुर्म पर पर्दा डालकर तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं ये झूठ है, सरासर झूठ है। अमर चिल्लाने से झूठ का काला रंग सच्चाई की सफेदी में नहीं बदल जाता। मुजरिम विनोद भैया है, अगर पुलिस उन्हें सजा दे देती तो शायद उनके पापों का प्रायश्चित भी हो जाता और वो सुधर भी जाते, लेकिन तुमने उन्हें बचाकर उनको और जुर्म करने का मौका दिया है। अमर तुमने कोई कुर्बानी नहीं दी, बल्कि विनोद भैया से दुश्मनी की है। सर आपका अंदाजा सही था, अमर को स्मगलर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो खुद भी स्मगलर नहीं है। दरअसल उसने अपने भाई विनोद को बचाने के लिए उसका सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। विनोद कहां है उसका अब तक कहीं पता नहीं चला। इंस्पेक्टर यादव आशा को अंदर भेज। यस सर।
कुलकर्णी, यस सर, फाइल नंबर 5 अंदर भेज दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग। सुनते हैं? क्या बात है, आसमान से पे उठा रखा है। अरे माला ही जपोगे या घर की कोई चिंता करोगे? सबकी चिंता करने वाला तो वो भगवान है, मगर तुम किस चिंता में डूबी हुई हो? तो सुन लो चिंता की बात, तुम्हारे बांझ भाभी को बच्चा होने वाला है। शिव शंभु शांता, तो बड़ी खुशी की बात है। भाड़ में जाए तुम्हारी खुशी, उसके घर औलाद हो गई तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। नहीं शांता, ऐसा न कह। बहुत दिनों के बाद मेरे बड़े भाई के यहाँ भगवान ने ये दिन दिखाया, भगवान मेरे बड़े भाई को खुश रखे। ऐसा न कह, ऐसा न कह। भगवान कैसे आदमी से पाला पा, मेरे तो भाग फूट गए, मेरे तो भाग फूट गए। भैया भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बरसों के बाद इस घर में उजाला होने वाला है। मैं भी बहुत खुश हूँ, नाग माता की कृपा से हमारे भाग जागे। लो लक्ष्मी आई है। पार्वती पार्वती, देख लक्ष्मी आई है, देख कितनी सुंदर है, देख कितनी सुंदर है लक्ष्मी। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, भगवान ने मेरी सुंदरी। सुंदरी यहाँ बैठ बैठ। अजय सुनते हो? सुनो, सुनते हो, बधाई हो, आपके घर में भी पैदा हुई है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलो भैया चलो। भैया ये क्या हो गया? मेरी परवाह मत करो, मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो भैया, मेरी बेटी के पास ले चलो भैया। मेरी बेटी मुझे दो, मैं इसे सीने से लगा लूं। नाग माता की बात सच निकली, जीवन भर जिसके लिए तड़प रहा था, आज आज वो आशा पूरी हो गई। भैया भैया, ये धन दौलत और जागीर मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। नहीं भैया, भैया नहीं, मेरी आशा को अपनी सविता की तरह पालना, पालना भैया। शांता, अरे आन की आन में ये क्या हो गया? शांता, ये आन की आन में क्या हो गया? क्या हो गया? पैदा होते ही माँ बाप को नहीं, 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 नहीं शांता, नहीं शांता, शांता ऐसा ना बोल। माँ तू मुझे अपनी बेटी क्यों कहती? अरे छी मनुष्य कही की तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप भगवान के वहाँ चले गए। जोर से दबा, चल हट यहाँ से। क्या हुआ मेरी लाडली, क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। अच्छा बेटा जा। शांता जी, इस बच्ची ने क्या गुनाह किया था जो तुमने इसे मारा? हाँ, क्या गुनाह किया था जो तुमने इसे मारा? अरे इतनी अच्छी लगती तो दूसरे की सेवा कर में ले जाके रखो ना उसे। देखो उस भुलाव में न रहे ना, जिस बंगले में रह रही हो उसी बच्ची का है, और जो ऐश कर रही हो, मिठाई खा रही हो, इसकी बदौलत, समझी? अरे वाह, हाँ। जब था तब था, अभी तो मेरा है, मेरा। हाँ हाँ, तुम्हारा है। आशा ना मैं तुझे मदद करूं? नहीं ये तेरा काम नहीं है। आशा माँ कितनी खराब है ना, तुझे बार बार मारती है, अगर गलती होगी तो मारेगी ही ना, लेकिन माँ तो कभी कभी तुझे ऐसे ही मारती है, तू पिताजी से शिकायत क्यों नहीं करती? मेरी जुबान तो जन्म से ही बंद है। आशा ले बेटा। अरे जीती रहे मेरी गुड़िया। आशा बेटी देखो
मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लाया हूँ। लो लो। मुझे तो कितना सारा काम है, गुड़िया खेलने के लिए मुझको समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा न कहो बेटी, ये दिन तो तुम्हारे खेलने के हैं। लेकिन माँ, नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। मेरी रानी बिटिया की आंखों में आंसू। हंसो बेटी, हंसो हंसो। अरे हट। हंसू कैसे, मेरे नसीब में तो रोना ही लिखा है। अरे मेरी लाडली, ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल मेरी लाडली। बहन, आज तुमने नए नए कपड़े पहने हैं, क्या बात है? तुझे मालूम नहीं, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन? हाँ, आज हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मेरा भाई कौन है? मेरे भैया वो तेरे भैया। ले बांध राखी। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही है? मेरे बच्चों को नजर लगा रही है चुड़ैल। जा यहाँ से, निकल। भगवान मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे, भगवान मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे, मेरे बच्चों की उम्र बड़ी करे। अरे तू यही खड़ी है, नहीं जाएगी, तेरी आंखें फूटे चुड़ैल। घबराओ नहीं बहन, उठो। कौन हो तुम? जिसको तुम अभी अभी याद कर रही थी, तुम्हारा भाई नाग भाई। नाग भाई? हाँ बहन, लो मुझे राखी बांधो। घबराओ नहीं, तुम्हारे बंधन को मैं जीवन भर निभाऊंगा, और समय आया तो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग। बहन ये लो, तुम्हारे भाई की तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट। बहन, सविता बहन, सविता बहन, क्या बात है आशा? आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन बात क्या है? आओ बताती हूँ। आज मुझको मेरा भाई मिल गया। अच्छा? हाँ, उसने ये अंगूठी दी। हाँ, बहुत अच्छी है। क्या है अंगूठी? देखो, मुझको मेरे नाग भैया ने अंगूठी दी। नाग भैया ने? चोरी भी करती है, झूठ भी बोलती है, हमको बदनाम करेगी क्या चुड़ैल? बोल किसने दी? बोल कहाँ से लाई ये अंगूठी? मैंने चोरी नहीं की, मेरे भैया ने दी। भैया ने? कौन है तेरा भैया? बोल किसने दी? बोल, ले जा इसे। ये तो हीरे की है। ओ माँ, हे भोलेनाथ, ये क्या हालत हो गया? मेरी बहन का हाथ टूट गया। भोलेनाथ की क्या हालत हो गया? भोलेनाथ की क्या हालत हो गया? माँ माँ, क्या हुआ बेटा? माँ बहुत अलर्ट हो गया, मेरी बहन का व्रत टूट गया, मेरा दिया हुआ अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी टूट जाएगा। माँ मैं क्या करूँ, माँ मैं क्या करूँ? जिसने मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश की है, उसे मैं श्राप देता हूँ, वो भी तड़प तड़प कर मरेगा। अरे भगवान, ये तूने क्या किया? शांता शांता, ये तूने क्या हो गया? शांता शांता, भैया मेरी एक ही इच्छा है, मेरी माँ को अच्छा कर दो। इसने मुझे बचपन से बहुत प्यार से बड़ा किया है, इसे अच्छा कर दो भैया। बहन, तेरी यही इच्छा है? हाँ।
लेके चली। माफ करना बेटी, बहुत मुझे माफ करना। धन्य है तू, धन्य है तुम्हारे भाई बहन का प्यार, धन्य है तुम्हारे भाई बहन का प्यार, धन्य है।